हर साल हजारों लैपटॉप्स लॉन्च होते हैं, लेकिन हमने ढूंढ निकाले हैं हर प्राइस सेगमेंट के अपने बादशाह। आपका कितना भी बजट हो, आपके लिए बढ़िया से बढ़िया लैपटॉप्स ढूंढ निकाले हैं। इस वीडियो में हम हर कैटेगरी के यूजर्स को कवर करेंगे, जैसे स्टूडेंट जिसे बेसिक कोडिंग, ब्राउजिंग या डे टू डे टास्क करने हो, गेमर्स जिसे बढ़िया गेमिंग के मजे लेने हो, फिर आते हैं क्रिएटिव प्रोफेशनल्स जिन्हें वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग या 3D वर्क करके बढ़िया पैसे छापने हो। इसके अलावा मार्केट में इतने सारे प्रोसेसर्स हैं, लेकिन तगड़े वाले कौन से हैं? कई टाइप की SSD आती है, लेनी कौन सी है? सुनाए GPU में TGP करके भी कुछ होता है, फास्ट कौन सा है? इस वीडियो में हम ये बेसिक चीजों को भी जानेंगे, ताकि आप अपने लिए एक बेस्ट लैपटॉप ढूंढ पाए। शुरू करते हैं लैपटॉप अंडर 40K से। इस प्राइस रेंज में हमारे पास 3 लैपटॉप्स अवेलेबल हैं, Lenovo IdeaPad Slim 1, Acer Aspire Lite एंड HP लैपटॉप 15। पहले Lenovo देख लेते हैं। इसमें आपको AMD Ryzen 5 5500U प्रोसेसर मिलता है, जो कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस देता है एंड वेरियस टास्क के लिए सुटेबल भी है। 16GB रैम के साथ ये लैपटॉप मल्टीटास्किंग एंड मल्टीपल एप्लीकेशन स्मूथली रन कर सकता है। इसका लाइट वेट और थिन डिजाइन इसे हाईली पोर्टेबल एंड इजी टू कैरी बनाता है। इसी के साथ 512GB SSD मिलती है फास्ट बूट टाइम्स और एम्पल स्टोरेज के लिए। कुछ कॉन्स भी है, जैसे इसकी डिस्प्ले हाई कलर एक्यूरेसी वाले टास्क जैसे UI/UX डिजाइन वर्क हो गया इसके लिए कैपेबल नहीं है। इस प्राइस पॉइंट पे इतना एक्सपेक्ट करना भी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। रैम मदरबोर्ड पे सोल्डर्ड है, तो फ्यूचर अपग्रेड्स पॉसिबल नहीं है। लाइटवेट होने के कारण थोड़ी सी ड्यूरेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है एज कम्पेयर टू हैवियर मॉडल्स जो हमें यूजुअली देखने को मिलते हैं। ओवरऑल ये लैपटॉप उन यूजर्स के लिए एक सॉलिड चॉइस है जो परफॉर्मेंस एंड पोर्टेबिलिटी का बैलेंस चाहते हैं, एंड बेसिक कोडर्स का काम भी इस पे आराम से निकल जाएगा। एक बार इन स्पेक्स को ध्यान से देखो, इनमें कुछ कुछ चीजें हैं जिनका जानना जरूरी है, जैसे प्रोसेसर के लास्ट में यू क्यों है, रैम 16GB तो है बट कौन सी वाली है, ये SSD के साइड में NVMe क्यों लिखा है, ऐसे और भी बेसिक टर्म्स होते हैं जिसको समझना जरूरी है। एक एक करके समझ लेते हैं। प्रोसेसर के लास्ट में अक्सर एक लेटर लिखा होता है जो उसकी कैपेबिलिटी बताता है, जैसे UPHHX etc. U का मतलब है अल्ट्रा लो पावर। सोचो ये ऐसा है जैसे एक स्कूटर जो माइलेज पे ध्यान देता है, बैटरी ज्यादा चलती है लेकिन परफॉर्मेंस थोड़ा लिमिटेड होता है। अब इसके आगे आप पी पर जाओगे तो परफॉर्मेंस थोड़ी बढ़ेगी एंड बैटरी लाइफ थोड़ी कम हो जाएगी, एंड ऐसे ही सेम कंटिन्यू होता है H एंड उसके बाद HX के साथ। HX को डुकाटी मान लो, एकदम टॉप नॉच परफॉर्मेंस मिलेगी लेकिन बैटरी भी उतनी जल्दी उतरेगी। हर यूजर्स की रिक्वायरमेंट को देख के प्रोसेसर बनाए गए। यू में आप बेसिक डे टू डे टास्क और कोडिंग वगैरह कर सकते हो, एंड वही HX एकदम तोड़ एडिटिंग, गेमिंग etc. में काम आते हैं। अब जैसे हर प्रोसेसर सेम नहीं होता, ऐसे ही हर रैम भी सेम नहीं होती। बात बस 8GB रैम एंड 16GB रैम की नहीं होती, आपको रैम की स्पीड पर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। 8GB की 3200MHz की रैम नेचुरली 8GB की 2300MHz की रैम से बेटर परफॉर्मेंस देगी लिटरली हर टास्क में, तो 23MHz वाली रैम अवॉइड करना। एक चीज और ध्यान रखनी है, लैपटॉप में रैम अपग्रेड का ऑप्शन होना चाहिए, रहेगा तो बढ़िया सोने पे सुहागा, क्योंकि इससे आप अपने लैपटॉप को थोड़ा फ्यूचर प्रूफ बना पाओगे। इस वीडियो में हमने ऐसे ही लैपटॉप रखने की कोशिश करी है जिसमें रैम अपग्रेड का ऑप्शन अवेलेबल हो। अगर नहीं भी तो लैपटॉप में एटलीस्ट 16GB तो होने ही चाहिए, बिकॉज 8GB थोड़ी कम पड़ रही है 2024 के हिसाब से। ऐसे ही 2024 में HDD लेना बेवकूफी है, बढ़िया SSD लो, इसमें भी SATA SSD को अवॉइड करो। NVMe के कंपैरिजन में स्पीड काफी स्लो देखने को मिलती है एंड ये काफी आउटडेटेड भी है। ये बेसिक चीजें लैपटॉप लेने से पहले ध्यान में रखना। अब बढ़ते हैं लैपटॉप नंबर 2 की तरफ। ये 12th Gen इंटेल कोर i3 प्रोसेसर के साथ आता है विद 16GB रैम एंड 512GB SSD। ये फुल HD डिस्प्ले के साथ आता है, जो कि आपको एवरीडे टास्क और मल्टीमीडिया यूज के लिए एक स्मूथ एक्सपीरियंस देगा। ये लाइट वेट एंड मेटेलिक बॉडी के साथ आता है, जो कि आपको टच एंड फील में काफी प्रीमियम फील कराएगा। एक चीज इसमें कॉम्प्रोमाइज लग सकती है, वो है स्पीकर्स। बेस उतना बढ़िया नहीं मिलता इसमें, लैपटॉप का प्राइस थोड़ा ज्यादा लग सकता है इस रेंज में, लेकिन ओवरऑल ये लैपटॉप एक अच्छा ऑप्शन है। इसके कई सारे वेरिएंट्स आते हैं, 16GB वाला थोड़ा हायर प्राइस सेगमेंट में आ जाता है, लेकिन 8GB वाला वर्थ है, जो कि आपको 30K आ जाएगा। रैम एक्सपेंडेबल है, फ्यूचर में नीड लगती है तो अपग्रेड कर सकते हो। जितने भी लैपटॉप्स आज मैं आपको बताने वाला हूँ, इन सभी की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अंडर 40 की रेंज में हमारे पास लास्ट ऑप्शन है HP लैपटॉप 15। ये एक बैलेंस्ड ऑप्शन है, जो कि डिसेंट परफॉर्मेंस और अच्छी फीचर्स प्रोवाइड कराता है। Ryzen 3 प्रोसेसर के साथ आपको बैकलिट कीबोर्ड भी मिल जाता है, फुल HD डिस्प्ले भी है, जो कि कंटेंट कंजम्पशन के लिए मस्त है। प्राइवेसी के लिए सिक्योरिटी फीचर भी दे रखा है, जैसे वेबकैम शटर। ये तो अच्छी बातें हो गई, लेकिन इसमें 8GB DDR5 रैम मिलती है, जो कि डेली टास्क जनरल यूज के लिए सफिशियंट है। बट अगेन मल्टीटास्किंग करना चाहते हो तो 16GB में अपग्रेड कर सकते हो, जो कि अगेन इस लैपटॉप को थोड़ा सा फ्यूचर प्रूफ बना देगा। ओवरऑल HP 15 एक वर्सेटाइल और रिलायबल लैपटॉप है। ये थे लैपटॉप अंडर 40 के। अब ये 3 लैपटॉप स्टूडेंट के लिए परफेक्ट है। आप डे टू डे टास्क, बेसिक कोडिंग, ब्राउजिंग में आप यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही आपने इनमें एडिटिंग चालू कर दी या कोई गेम डाल दिया,
तो इनकी हालत टाइट हो जाएगी। थोड़े बड़े शौक हैं, बजट बढ़ाओ, बताता हूँ तगड़े लैपटॉप अंडर 60 के। अब इस रेंज में आपको और भी बेटर परफॉर्मेंस, बिल्ड क्वालिटी और फीचर्स मिलते हैं जो कि सीरियस कोडिंग, एंट्री लेवल गेमिंग, एडिटिंग के लिए परफेक्ट है। टोटल चार ऑप्शंस हैं। स्टार्ट करते हैं पहले से, एसर एस्पायर लाइट, सॉलिड ऑप्शन इस प्राइस रेंज में। 12th जेन इंटेल कोर i5 प्रोसेसर मिलता है, वो भी 16GB रैम के साथ। ये इतना कैपेबल लैपटॉप है कि आप काफी सारी चीजें एट द सेम टाइम एफिशिएंटली कर सकते हो। 1TB SSD मिलती है, बैकलिट कीबोर्ड एंड अपग्रेडेबल रैम का ऑप्शन भी मिल जाता है। स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स विद नॉर्मल टू मीडियम लेवल यूसेज के लिए सफिशियंट है। ड्रॉबैक अगेन, स्पीकर वॉल्यूम काफी कम मिलती है, बैटरी लाइफ 3-4 घंटे के आसपास ही है, एंड लास्ट डिफरेंट एंगल से डिस्प्ले उतना सही नहीं दिखता, एंड कलर सेंसिटिव टास्क के लिए भी सुटेबल नहीं है। ये कुछ सब्जेक्टिव कॉन्स है, लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे ये स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। ये लैपटॉप गेमिंग एंड एडिटिंग जैसे टास्क के लिए थोड़ा कमजोर है, कर लेगा लेकिन मर मर के करेगा। अगर गेमिंग भी चाहिए तो नेक्स्ट लैपटॉप है आपके लिए, Asus TUF Gaming A15। Ryzen 7 7435HS प्रोसेसर मिलता है, 16GB DDR5 रैम मिलती है, 512GB अपग्रेडेबल SSD है, NVIDIA GeForce RTX 2050 GPU मिलता है, वो भी 70W TGP के साथ। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, गेमिंग के लिए प्रोसेसर थोड़ा हल्का हो चलेगा, लेकिन ग्राफिक कार्ड हमेशा तगड़ा होना चाहिए। अब अगेन, ये RTX 2050, ये 70W TGP, ये होता क्या है? अब ना GPU में कई टाइप की सीरीज आती है, जैसे RTX 20 सीरीज, 30 सीरीज, 40 सीरीज एसेट्रा। जैसे जैसे आप बजट बढ़ाओगे वैसे वैसे लैपटॉप में GPU की सीरीज बढ़ेगी एंड परफॉर्मेंस भी। RTX 2050 GPU एंट्री लेवल में आता है, जो कि सुटेबल है लाइट गेमिंग, कोडिंग एंड कंटेंट क्रिएशन के लिए। अब इनमें भी ना अलग अलग वोल्टेज होती है, जैसे 40W, 70W, 95W। इसे ऐसे समझो, जितनी ज्यादा वोल्टेज उतना पावरफुल GPU। सिंपल, इस लैपटॉप के केस में 70W TGP मिलती है, यानी परफॉर्मेंस भी बढ़िया होगी। ये HS प्रोसेसर के साथ आता है एंड गेमिंग लैपटॉप भी है, तो बैटरी लाइफ थोड़ी सी कम मिलेगी। ये लैपटॉप गेमर्स के लिए बेस्ट है जो स्मूथ गेम प्ले और हाई रिफ्रेश रेट चाहते हैं, लेकिन बजट टाइट है। नेक्स्ट लैपटॉप आता है MSI Modern 15। सबसे पावरफुल स्पेक्स ऑफर करता है इस प्राइस रेंज में। ये इंटेल कोर अल्ट्रा 5 प्रोसेसर एंड 16GB DDR5 रैम के साथ आता है। अपग्रेडेबल रैम एंड स्टोरेज दोनों का ऑप्शन है। अभी के हिसाब से ये लैपटॉप भी एक ऐसा लैपटॉप है जो इस प्राइस पे लेटेस्ट प्रोसेसर ऑफर करता है। ये लैपटॉप हैवी कोडिंग और डेवलपमेंट टास्क के लिए परफेक्ट है। इसमें हल्की फुल्की गेमिंग और एडिटिंग भी कर सकते हो। अगर आपको थोड़ी और पावर चाहिए तो इसमें 12,000 और मिला के कोर अल्ट्रा 7 और 1TB SSD वाले वेरियंट की तरफ जा सकते हो। बस एक चीज ध्यान रखना, लैपटॉप लेने से पहले ये देख लेना कि तुम्हारे शहर में MSI सर्विस सेंटर का क्या सीन है, क्योंकि स्पेक्स कितने ही पावरफुल क्यों ना हो, पीस ऑफ माइंड सबसे पहले आता है। इसी प्राइस सेगमेंट में नेक्स्ट लैपटॉप आता है Asus VivoBook Go 15 OLED। ये एक थिन और लाइट लैपटॉप है जो कि हाई क्वालिटी OLED डिस्प्ले के साथ आता है। Ryzen 5 प्रोसेसर और 16GB रैम के साथ ये लैपटॉप कोडिंग एंड कंटेंट कंजम्पशन के लिए काफी बढ़िया है। इसमें जो रैम है वो DDR5 5500 MHz की रैम है, जो कि एक्चुअल में काफी तेज है। इसमें जो आपको OLED डिस्प्ले मिलती है वो UI/UX डिजाइन वर्क के लिए भी काफी सही है। इसकी कलर एक्यूरेसी भी सॉर्टेड है, जो कि इसे कई महंगे लैपटॉप में भी शायद ही देखने को मिलती है। ये उनके लिए लैपटॉप है जिन्हें फोटो एडिटिंग, एंटरटेनमेंट एंड आर्ट का काम है, एंड स्क्रीन एकदम बढ़िया चाहिए। उनके लिए एकदम सही है, कैजुअल गेमिंग कर सकते हो लो FPS पे, लेकिन गेमर्स को मैं बोलूंगा अवॉइड ही करो। बाकी जो लैपटॉप बताए हैं उनकी तरफ आप जा सकते हो। अब तुम्हारी नीड्स थोड़ी और ज्यादा है एंड लैपटॉप से पैसा भी कमाना चाहते हो, तो बजट थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। देख लेते हैं लैपटॉप अंडर 90 के। पहला लैपटॉप आता है MacBook Air M1। यह एक पावरफुल और एफिशिएंट लैपटॉप है जो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ ऑफर करता है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इसकी बैटरी लाइफ एक्चुअल में काफी बढ़िया है। लाइट यूसेज में 12-15 घंटे आराम से देगा। M1 चिप डिमांडिंग टास्क और मल्टीटास्किंग को इजीली हैंडल कर लेता है। इसका रेटिना डिस्प्ले वाइब्रेंट और शार्प विजुअल्स ऑफर करता है, जो क्रिएटिव टास्क और एंटरटेनमेंट के लिए एकदम सॉलिड है। मैं खुद मैक 5 साल से यूज कर रहा हूँ एंड इसकी परफॉर्मेंस टिल डेट मक्खन है। मैंने एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग से लेके सब इसी लैपटॉप में सीखा है एंड आज तक ये मक्खन चलता है। इसमें 2-3 कॉन्स हमें देखने को मिलते हैं। पहला, गेमिंग नहीं कर सकते। दूसरा, पोर्ट्स काफी लिमिटेड देखने को मिलते हैं। आपको अलग से टाइप सी अब लेना पड़ेगा, जो कि कई बार थोड़े से एक्सपेंसिव आते हैं। इसमें 256GB स्टोरेज मिलती है, जो कि कम है, लेकिन चाहो तो काम चलाया जा सकता है। अगर आप इसमें एडिटिंग वगैरह करने की सोच रहे हो तो आपको वैसे भी अलग से SSD की जरूरत पड़ती है। ये लैपटॉप आपको 70,000 के आसपास मिल जाएगा, कई बार सेल में या फिर ऑफर चलते रहते हैं तो उससे कम में भी आपको मिल जाता है। अब जो नेक्स्ट लैपटॉप आता है वो एक ऑलराउंडर ऑप्शन है, Asus का VivoBook 14X OLED। ये हाई क्वालिटी OLED डिस्प्ले एंड RTX 2050 GPU के साथ आता है। इस लैपटॉप में आप हैवी कोडिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सब हो जाएगा आराम से। एंड ये सब करके थक जाओ तो भाई गेमिंग भी कर लेना, वो भी हो जाएगी इसमें। इसमें आपको GPU तो मिलता ही है, आपको H सीरीज का CPU भी मिलता है,
है जो कि इसे काफी केपेबल बना देता है। कुछ चीजें यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो सकती है जैसे ओवरऑल बैटरी लाइफ एंड बिल्ड क्वालिटी। इन दोनों चीजों को अगर साइड में रखो तो ये लैपटॉप कुछ भी कर सकता है। अगर आपको बिल्ड क्वालिटी मैटर करती है तो आपके लिए नेक्स्ट लैपटॉप है Lenovo IdeaPad Slim 5। ये एक रोबस्ट लैपटॉप है जो कि बड़ी और शार्प हाई रिजोल्यूशन स्क्रीन के साथ आता है। मेटल बिल्ड, फेस रिकॉग्निशन एंड एक्सपेंडेबल स्टोरेज इसे कोडिंग के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन बना देता है। लेकिन इसमें GPU नहीं है तो AIML जैसे टास्क में लिमिटेशन हो सकती है। मैंने ये पॉइंट आउट इसलिए किया क्योंकि AIML अपकमिंग फील्ड है एंड ऐसा भी नहीं है कि इस प्राइस पॉइंट में GPU वाले लैपटॉप्स मिलना मुश्किल है। लेकिन अभी तक हमने जितने भी लैपटॉप्स देखे उसमें से बिल्ड क्वालिटी एंड बैटरी लाइफ इसकी बेस्ट है। अगर आपको GPU की जरूरत नहीं है इसकी तरफ जा सकते हो। एस सीरीज चिप के साथ प्रोसेसर तो बढ़िया मिलता ही है। गेमर्स को छोड़ के इस लैपटॉप को कोई भी यूज कर सकता है, कोडर्स, एडिटर्स, वर्किंग प्रोफेशनल सारे। इसमें फेस रिकॉग्निशन भी है, जिनको कूल लगता है उनके लिए बता दिया मैंने। इसको किसी मेन हार्डवेयर स्पेक जैसे CPU, RAM जितना वेटेज मत देना। नेक्स्ट लैपटॉप आता है लिस्ट में Gigabyte G5। ये एक पावरफुल गेमिंग लैपटॉप है जो AIML, वीडियो एडिटिंग, 3D आर्ट सबके लिए सॉर्टेड है। RTX 4060 GPU और 144Hz स्क्रीन के साथ ये लैपटॉप इंटेंसिव टास्क और स्मूथ विजुअल एक्सपीरियंस के लिए परफेक्ट है। ये लैपटॉप उनके लिए काफी सही है जो एक हाई परफॉर्मिंग गेमिंग लैपटॉप चाहते हैं, क्योंकि इस प्राइस पे सबसे सस्ता बट पावरफुल GPU इसी का है। इसके लुक्स काफी स्ट्रॉन्ग से हैं तो मैं वर्किंग प्रोफेशनल्स को तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा और स्टूडेंट्स को भी बोलूंगा कि भाई एक बार देख लो इसे, इतना भारी लैपटॉप कहां लेकर घूमोगे। लेकिन इफ इट वर्क्स गेमिंग लैपटॉप है, बैटरी वीक रहेगी, GPU तगड़ा है तो प्रोसेसर के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। स्क्रीन क्वालिटी भी इसकी थोड़ी एवरेज सी है, लेकिन अगर आपको बेटर स्क्रीन क्वालिटी चाहिए तो Lenovo का लॉक कंसिडर कर सकते हो। ये कोर i5 प्रोसेसर के साथ आता है, इंटेंसिव टास्क और गेमिंग सब हो जाएगा। इसकी स्क्रीन काफी अच्छी है तो विजुअल्स बढ़िया मिलते हैं। दोनों को अगर कंपेयर करें तो अगर आपको स्क्रीन बढ़िया चाहिए लॉक की तरफ जा सकते हो। अगर 2D 3D एडिटिंग का काम ज्यादा है तो फिर आप Gigabyte कंसिडर करो, प्रोसेसर थोड़ा बढ़िया मिलता है एंड स्क्रीन क्वालिटी चाहिए एंड सिर्फ गेमिंग करनी है देन आप लॉक कंसिडर कर सकते हो। ये थे हमारे कुछ तगड़े लैपटॉप्स। अगेन जाते जाते कुछ इंपॉर्टेंट बातें, 8GB रैम से नीचे नहीं जाना है। 8GB अगर ले रहे हो तो अपग्रेड का ऑप्शन होना चाहिए। स्टूडेंट हो, बेसिक डे टू डे टास्क करने हैं, थोड़ी सी कोडिंग करनी है, 40K बजट सफिशियंट है, इससे ज्यादा महंगे लैपटॉप लेने की जरूरत नहीं है। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, SSD नहीं लेनी है, SSD ही लेना एंड उसमें भी साटा SSD अवॉइड करना। कॉलेज में कई ऐसे काम होते हैं जिनके लिए क्रोमबुक सफिशियंट नहीं है। नेक्स्ट, अगर कॉलेज में रह के साइड सेल करना चाहते हो तो अच्छे लैपटॉप में पैसे डालना एक इन्वेस्टमेंट है। अपनी नीड्स देखो एंड उसके हिसाब से लैपटॉप खरीदो। एंड लास्ट, इन लैपटॉप्स के प्राइसेस काफी ऊपर नीचे होते हैं तो प्राइस ट्रैकर एंड टेलीग्राम बॉट का यूज करके चेक करते रहना। ये था आज का वीडियो, इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, पीस आउट।